देश लई अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मैडल जीतण वाले पहलवान 23 अप्रैल तो कौमी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर विखे धरने ते बैठे हुए हैं, जिथे उन्होंने हक विच कई राजनीतिक पार्टियां दे आगू उत्थे पहुंच के समर्थन देने की गल कर रहे हैं। उत्थे हुण देश भर विच वख-वख वर्ग के लोग अते आम जनता भी उन्हां खिडारना दे हक विच आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस संघर्ष के तहत ही बटाला शहर विच किसान जथेबंदियां वल्लों भाजपा संसद अते कुश्ती महासंघ के प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूक के रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके किसानों ने ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की भी मांग की। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी लंबा समा बीत जाने के FIR दर्ज न होने पीड़ता ने माणयोग सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और फिर माणयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तो बाद ब्रिजभूषण शरण के उपर अति गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए, पर इसके बावजूद भी आरोपी ब्रिजभूषण शरण को अजे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को अपील की कि इस गंभीर मामले में महिला पहलवाना के नाल इंसाफ किया जाए और यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिस नाल आम लोगों का कानून उपर विश्वास बनिया रहे। मेरा नाम बचन सिंह, क्रांतिकारी किसान यूनियन जिले का सीनियर मीत प्रधान। संयुक्त मोर्चे के फैसले के मुताबिक जिहड़ा साडे सेंटर सरकार ने शरण सिंह जिहड़ा ब्रिजभूषण शरण सिंह उन्हें गिरफ्तार नहीं करते, जो साडियां देश दियां पहलवान लड़कियां जो उन्होंने उन्होंने बदसलूकी की आ वो इतों तक मजबूर हो गई कि उन्होंने अरैसट भी किया, तो वह अपने जोड़े मैडल ने वो पानी में सुट के आत्महत्या कर मरण वरते बैठने मजबूर हो गई। इस करके जिन्ना भी देश के संयुक्त किसान मोर्चा तो बाकी मुलाजम जथेबंदियां सारिया ने फैसला किया मरन नहीं देना, तो सारा देश उन्हें पहलवानों की हमायत आ क्योंकि वह पहलवान लड़कियां ने साडे देश का नाम रोशन किया वर्ल्ड विचों जित के अपने तगमे लिया के, तो जिदन वो लड़कियां तगमे लैके आदियाँ उदन यो ही जोड़े अज उन्होंने सलीक शोषण करते उन्होंने फोटो लवा के तो उदन बड़े खुश होंगे, बड़ा माण करते साडे देश का माण वध्या। अज उस माण नूं इह भुल गए और साडी इह मंग आ संयुक्त मोर्चे की समुचिया जथेबंदियां की ब्रिजभूषण नूं गिरफ्तार किया जाए, उहदे ते बनदी कार्रवाई की जाए, तो उन्हों सरकार विचों फारग किया जाए। जिन्ना चिर तक वह नहीं हुंदा आने वाला समा जिहड़ा इस तों वध संघर्ष करांगे। इस तों अज ते ऐते टाइम इह फैसला आया ते थोड़ी गिणती विच 5 तरीक नूं इह वड्डी गिणती दे विच DC SDM तहसीलदार सारे जिलों के सारे देश के वड्डे वड्डे इकट्ठ करके ते मोदी के शरण भूषण के जड़े ने वह पुतले फूकांगे। तो आने वाला जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल आएगी जो राजधानियों में वड्डे इकट्ठ करके राजधानियों घराओ करके राजपाल के थ्रू जाना चाहते हैं तो जां कोई रेलां बंद करनिया जां रोड बंद करने या जिहड़ा भी एक्शन संयुक्त मोर्चा लिखेगा अं तन मन धन वह करांगे। तो जिन्ना चिर उन्हां धीआं नूं इंसाफ नहीं मिलता संयुक्त मोर्चे दियां जथेबंदियां मुलाजम मजदूर जिन्नियां जथेबंदियां ने कोई आराम नाल टेके नहीं बहिणगियां। हाँ जी, वह कल उन्होंने फैसला किया गई उन्होंने संयुक्त मोर्चे के 3 मैंबरी कमेटी बना के उन्होंने रोक लिया गया आ। उन्होंने कहा भी ना मैडल गंगा विच होने आ क्योंकि मैडल सौखे नहीं मिले, जिवें मेरे तो पहला मास्टर जी दस के गए आ कि ये जिहड़े मैडल आ उन्होंने आप मेहनत करके अपने सिर घरेलू खर्चे करके तो एडी मेहनत नाल स्कूलों तो चल के तो देश के विचों बाहरले देशों विचों तगमे लेंदे मैडल उन्होंने सुटने नहीं सुटन नहीं दिते, तो उन्होंने खड़े होने का ऐद किया संयुक्त मोर्चे ने। तो बाकी सारिया मुलाजम मजदूर किसान सारिया जथेबंदियां ने उन्होंने कहा भी जिन्ना जो तुहानू इंसाफ नहीं मिलता अं तुहाडे नाल मरन मिटन तक तैयार हैं। राज गुरविंदर सिंह घुमाण, जिला प्रधान क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब। अज जिहड़ा पुतला असीं फूक रहे हैं ये मोदी का ते ब्रिजभूषण का भारत सरकार का पुतला फूक रहे हैं क्योंकि जिहड़ा पहलवाना नाल धक्का कर रहे ने जिहड़े कि जंतर मंतर ते बैठे सी पहला उन्होंने वादे करके मुकर गए फिर उन्होंने बहना पिया उत्ते उस तो बाद भी उन्होंने बड़े धक्के दे नाल इन्होंने उत्थों चुकिया बहुत ही बुरी तरह उन्होंने घसीट घसीट के इन्हें चुकिया ते हुण उत्थे धरना नहीं लाउण दे रहे। साडी उन्होंने सरकार नूं वार्निंग है कि उन्होंने जंतर मंतर ते धरना लाउण दित्ता जावे जां ब्रिजभूषण नूं बर्खास्त करके उन्हूं जेल दे पिछे सुट्टिया जावे, नहीं तो फिर SKM जिहड़ा वा उह धरना लाएगा उत्थे नाल उन्हां दा सहयोग दे के 5 तरीक तक अल्टीमेटम दिता गया उन्होंने उस तो बाद उत्थे धरना लाया जाएगा। इहदा कारण जिहड़े माड़े पोलीटिशियन उही इहदा कारण
ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਧੱਕੇ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਚੱਲੇ, ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਇੰਡੀਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕੌਣ ਖੇਡੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਡਲ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।